सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए फिर से एक ऐसा एंड्रॉइड एप्लीकेशन आ गया जिसकी मदद से आप अपने एंड्रॉइड फोन को आईफोन 15 में बदल सकते हैं। आप सिर्फ एक एप्लीकेशन की मदद से आप अपने एंड्रॉइड फोन को आईफोन 15 में बदल सकते हैं। इसमें आपको कंट्रोल सेंटर, लॉक स्क्रीन, डायनेमिक कैलेंडर, वॉलपेपर, लॉन्चर वगैरह सारा कुछ आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ एक एप्लीकेशन की मदद से आप अपने एंड्रॉइड फोन को आईफोन 15 में बदल सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा एप्लीकेशन है और आपको इसको अपने फोन में कैसे अप्लाई करना है कि जो आपका एंड्रॉइड फोन है आईफोन 15 बदल जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा वही एप्लीकेशन है जिसके बारे में हम बात करें। इस एप्लीकेशन का नाम है आई लॉन्चर। ये जो लॉन्चर है काफी बढ़िया लॉन्चर है। इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा। आपको सारे परमिशन को आपको अलाउ कर लेना है। इसके बाद जो एप्लीकेशन है पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन, कंट्रोल सेंटर, गेस्चर, डायनेमिक कैलेंडर, मेक डिफॉल्ट लॉन्चर। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है, फिर आपको कैमरा परमिशन पर क्लिक करना है और आपको इसकी परमिशन को अलाउ कर लेना है। इसके बाद फिर आपको लिसन नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और आपको आई लॉन्चर पर क्लिक करना है और आपको इसकी परमिशन को आपको अलाउ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा। तो चलिए हम इसको वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको ड्रॉ अदर ऐप पर क्लिक करना है, फिर से आपको आई लॉन्चर पर क्लिक करना है और आपको इसकी परमिशन को अलाउ कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है, फिर आपको डाउनलोडेड एप्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको आई लॉन्चर देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इसको क्लिक करना है और आपको इसकी परमिशन को अलाउ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ सेकंड आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको उसको एक्सेप्ट करके ओके पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद जो एनेबल लॉक स्कैन है आपको इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद जो लॉक स्कैन है आपके फोन में अप्लाई हो चुका। मैं आपको अपना फोन लॉक करके दिखा देता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो लॉक स्कैन है यहाँ पे हमारे फोन पे अप्लाई हो चुका। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और आपको एनेबल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। इसके बाद जो नोटिफिकेशन सिस्टम होगा यहाँ पे ऑन हो चुका। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, एक साइड आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको वॉलपेपर पर क्लिक करना है और आपको इसको अलाउ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको परमिशन को अलाउ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आईफोन 15 वाला वॉलपेपर देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इसको क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको एडिट करके इसको लॉक स्क्रीन पे अप्लाई करना है तो आप इसको एडिट करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको वैसे अप्लाई करना है, सिंपली आपको यूज एस लॉक स्क्रीन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको वॉलपेपर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको कंट्रोल सेंटर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा राइट सेटिंग। सिंपली आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, एनेबल कंट्रोल सेंटर। आपको इसको ऑन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका कंट्रोल सेंटर जो होगा यहाँ पे ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंट्रोल सेंटर यहाँ पे ऑन हो चुका। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे जो भी कुछ कस्टमाइजेशन करना है आप इसको यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर आपको डायनेमिक आइलैंड पर क्लिक करना है और आपको इसको एनेबल कर लेना है। एनेबल करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डायनेमिक आइलैंड है हमारे फोन में अप्लाई हो चुका। अगर आपको इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको इस डायनेमिक आइलैंड में आपको अपना नोटिफिकेशन देखना है, सिंपली आपको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी एप्लीकेशन का आपको नोटिफिकेशन चाहिए आपको उसको ऑन कर लेना है। अगर आपको सारे एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन चाहिए, सिंपली आपको यहाँ सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपका सारा एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। अगर आपका जो डायनेमिक आइलैंड है आपके कैमरे पर अच्छे सेट नहीं है तो आपको इसको यहाँ पे कैमरे पर सेट कर लेना है। तो इसको सेट कैसे करना है, आपको सिंपली बैक करना है और आपको पोजीशन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको जहां भी इसको रखना है आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद आपको फिर से बैक करना है, फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा मेक डिफॉल्ट लॉन्चर। सिंपली आपको इसको सिलेक्ट करना है और आपको आई लॉन्चर को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जो लॉन्चर होगा आपके फोन में अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पूरा आपका फोन का लुक होगा, पूरा आपको आईफोन 15 जैसा देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, पूरा आपको आईफोन 15 जैसा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कंट्रोल सेंटर, नोटिफिकेशन बार, सारा आपको आईफोन 15 जैसा देखने को मिलेगा। अगर आप अपने फोन को लॉक करेंगे तो भी सिस्टम आपको आईफोन 15 जैसा देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो लॉक स्क्रीन है भी आपको आईफोन 15 जैसा देखने को मिलेगा। तो पूरे फोन का जो लुक है पूरा आपको आईफोन 15 जैसा देखने को मिलेगा। तो इसी तरह से आप अपने एंड्रॉइड फोन को आईफोन 15 में बदल सकते हैं। तो काफी बढ़िया एप्लीकेशन, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।